साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे कि कंपनी आपको जॉब क्यों दे, ऐसी क्या आप में खासियत है कि कंपनी आपको जॉब दे। कई बार आपने देखा होगा कि आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो या सिलेक्शन के लिए जाते हो तो आपका बैकग्राउंड यानी आप में कुछ कंपनियां कोशिश करती है ढूंढने की आप में ऐसा कुछ क्या है कि आपको जॉब, कई बार बोलते हैं ना कि सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन इन चीज़ों की वजह से होता है। तो चलिए शॉर्टली तरीके से अपना शुरुआत करते हैं साथियों। कुछ चीज़ें मैं टॉपिक बताऊंगा जबकि अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए या कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए आप जाते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी इसी में आपको ये सब कुछ देखती है। तो साथियों शुरुआत करते हैं, कंपनी आप में ऐसा क्या देखती है कि किस वजह से आपको जॉब दें। ठीक है, मैंने कुछ 6-7 पॉइंट नोट करे हैं, ये पॉइंट अगर आप में हैं तो कंपनी में आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंपनी में अनुभवी को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार एड में आपने देखा होगा लोकल इंडिया में, मान लो कहीं पर भी छोटी मोटी कोई भी जॉब होती है, बड़ी जॉब होती है, उसमें नीचे लिखा होता है अनुभवी को प्राथमिकता। यानी अगर इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में जॉब है उसका अगर आपको नॉलेज है तो आपको सबसे पहले वरीयता इसमें दी जाएगी, आपको आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है साथियों, तो अनुभव आपको इसमें ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो तो अनुभव आपको होना ज़रूरी है साथियों। ठीक है, जॉब से रिलेटेड अनुभव, जॉब अगर आप अनुभव जॉब वर्क की बात करें इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो कितने टाइम से आपको एक्सपीरियंस है उस जॉब करने का, कब से आप काम कर रहे हो, कहाँ आपने काम किया है, जो आप जिस सेक्टर में आपकी जॉब लगने की संभावना है क्या वो काम आपको आता है, आपको पहले से अनुभव है, इससे रिलेटेड ये जॉब अनुभव होता है साथियों। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नॉलेज होगा तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, वफादारी एंड विश्वास, वफादारी विश्वास दोनों एक ही वर्ड हैं। कंपनियों का सबसे मोटो ये होता है साथियों उनको कि यार अपना कोई बंदा अच्छा आपको मिले, कंपनी को अच्छा बंदा मिले जिस पे कंपनी फेथ कर सके, जो बंदा अपने कंपनी के प्रति वफादार हो। कई बार आपने देखा होगा सेठ साहूकार बड़े लोग कंपनियों में जॉब करवाते हैं तो वो सोचते हैं यार बंदा वफादार है, कई बार सुनता है ना यार बंदा बहुत अच्छा है, सेठ जी इस पे विश्वास करते हैं, सेठ जी का विश्वास पात्र है। इसका मतलब ये वफादारी और विश्वास कंपनी को आप पे ऊपर करना होगा, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, लॉन्ग टाइम वर्कर कंपनी को चाहिए, ये नहीं कि एक साल के लिए बंदे को हायर किया, दो महीने में छोड़ दिया, एक महीने में छोड़ दिया, 15 दिन में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ये मानती है, कंपनी की ये सोच होती है कि ये बंदा अपने टाइम अपने साथ लॉन्ग टाइम वर्कर चले, इसके लिए वो देखती है कि आपने पहले जहाँ पे जॉब किया कितने टाइम तक आपने जॉब किया, ये नहीं कि एक साल में आपने 3 कंपनियाँ चेंज कर रखी है तो उनको डाउट होगा कि ये बंदा भी अपने साथ नहीं टिकेगा। ठीक है, ये इंडिया में भी लागू होता है, अदर कंट्री में आप जाते हो तो वहाँ पर भी लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप सऊदी जा रहे हैं, ठीक है, एक साल में 2-3 वीज़ा लगे पड़े हैं आपके पासपोर्ट में, एक साल में 2-3 वीज़ा लगे पड़े हैं, चौथी जगह ट्राई कर रहे हैं तो वीज़ा देखेगा कि यार एक साल में इस बंदे ने 3 वीज़ा लगवा रखे हैं, ये मतलब ये बंदा नहीं टिकने वाला, लॉन्ग टाइम वर्कर नहीं है ये, तो कंपनी उसको कन्नी काटने की कोशिश करती है, जॉब नहीं मिलता उसको। तो लॉन्ग टाइम वर्कर कंपनियां आप में देखेगी जरूर। ठीक है साथियों, टीम लीडर की भावना होनी चाहिए। कंपनियां हमेशा ये चाहती है भाई, कंपनियां पैसा कहाँ से कमाती है, अपन वर्कर जो होते हैं उन्हीं से वो पैसा कमाती है, उन्हीं से प्रॉफिट होता है, उन्हीं से में से आपको सैलरी मिलती है, समझ रहे हो। तो कंपनी ये चाहती है कि अब बंदा टीम लीडर टाइप का होना चाहिए, यानी जो बंदों को टेकल कर सके, अच्छा काम कर सके, कंपनी को आगे बढ़ा सके, सिस्टम को मैनेज कर सके, टीम लीडर टाइप का बंदा उनको जरूरत होती है। तो अच्छा बंदा होता है तो कंपनी अपने आप उनको निकाल लेती है। ठीक है साथियों, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए बंदा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पक्का कि अगर मुझे ये काम दे दिया तो इतने टाइम में मैं ये काम कर दूंगा, नहीं करे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। कंपनी को ये आपको प्रूफ करना होगा कि जी सर मैं ये काम कर दूंगा, समझ रहे हो बात को, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, वो सामला बंदा अपने आप नोट कर लेता है, क्योंकि हाई सैलरी के बंदे होते हैं वो आदमी चेहरा देख के पता लगा लेते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, तो ये होना आप में बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए साथी, ओरिजिनलिटी 7 पॉइंट, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैंने पहले वहाँ किया वो किया, जबकि हकीकत में कुछ नहीं है। ओरिजिनलिटी जो किया सर ये सामने है, इसमें गलत है तो गलत है, सही है तो गलत है, यानी ओरिजिनल होना जरूरी है। खुद पे भी ये नहीं कि फालतू के रोंग रोंग कर रहे हो आप, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल बंदा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, जो उसने कुछ किया पहले नहीं किया, जो आता है वो भी सही है, नहीं आता है वो भी सामने रखो कि ये मेरा माइनस पॉइंट है ये प्लस पॉइंट है, यानी ओरिजिनल अगर आप रखोगे तो बंदे को ये लगेगा यार जो भी अगर कुछ कम भी है लेकिन ईमानदारी से इसने बताया, यानी बंदा ओरिजिनलिटी सामने रखने की कोशिश इसने की है। तो ये चीज़ें 7 पॉइंट साथियों, कंपनी आपको अगर इसमें फिट आप रखते हो, ये चीज़ें कहाँ लागू होती है मैं बता दूँ, ये मेन चीज़ होती है आप सीवी सिलेक्शन में भी। कई बार बोलते हैं सीवी सिलेक्शन आया विदेश से तो आपसे क्या मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, वो पासपोर्ट से पता लग जाता है,
समझ रहे हो, पासपोर्ट से इस बंदे ने इतने साल कहाँ काम किया, कितने किया, इसकी फोटो रंग ढंग देख के पता लग जाता है बंदा काम करने वाला है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर जॉब करते हो तो भी ये चीज़ें लागू होती है, अदर कंट्री में जॉब करते हो तो भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो जब भी आप जाएँ तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। दो तीन वीडियो मैंने इससे रिलेटेड पहले भी बनाए, एक वीडियो मैं और डालूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा साथियों, कोई बात पूछनी हो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।